हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ वेणु वर्मा। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ गरबा सिखाने, मतलब मैं गरबा की ट्रेनिंग देती हूँ। एक जगह है भिलाई स्पार्क क्लब मरोदा, एंड दूसरा मैं कुर्मी भवन जाती हूँ। तो मैं अभी वहाँ मिलती हूँ आपसे, बहुत जल्दी जल्दी में हूँ। तो मैं पहुँच चुकी हूँ और गरबा स्टार्ट हो चुका है और बहुत भीड़ भी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। आज मुझे बहुत लेट हो गया एंड मम्मी भी मेरे साथ आई है, तो चलते हैं अभी अंदर। बहुत लेट लेट लेट। सो अभी हो गया है छत्तीसगढ़ी गरबा, इसके बाद हम लोग फिर से एक बार छत्तीसगढ़ी गरबा करने वाले हैं। और यहाँ पे अभी सर्कल मेंटेन हो रहा है, देख सकते हैं आप सभी। फॉलो करेंगे एक दूसरे का, करो बाजू वाले फॉलो करेंगे। पिछले सिर्फ एक ही वीडियो होगा, कोई क्लिप नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में ना प्रॉब्लम होते हैं दूसरों को, ठीक है। गरबा हो चुका है कंप्लीट, अभी मैं जा रही हूँ कुर्मी भवन। आप देख सकते हैं पीछे सब जा रहे हैं घर। मैं आ गई हूँ अभी कुर्मी भवन, अभी यहाँ पे अपन गरबा प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो गाइस, फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ कुर्मी भवन से। और मैं दो जगह ट्रेनिंग दे रही हूँ, एक कुर्मी भवन में और एक भिलाई इस्पात क्लब में। तो भिलाई इस्पात क्लब में आज मेरा लास्ट डे ऑफ ट्रेनिंग था, तो वहाँ का जो ट्रेनिंग है 5 डेज़ का था, बहुत ही अच्छा था। सो वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आज लास्ट डे है, वहाँ का कंप्लीट हो चुका है ट्रेनिंग। और अभी कुर्मी भवन का जो ट्रेनिंग है वो बचा हुआ है, 25 लास्ट डेट है। तो मैं लास्ट डे का जो वीडियो है आपके साथ शेयर करूँगी। सो मुझे गरबा सिखाते करीबन 8 साल हो गया है। पहले मैं कुर्मी भवन में सिखाती थी गरबा, और ये मेरा पहला साल है कि मैं यहाँ इस्पात क्लब में गरबा सिखा रही हूँ। और 1 2 3 बस, फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 मतलब जो पहले आगे थे जाते हैं आगे, और दो बार करके 1 2 उसके बाद पीछे जाओ। और गरबा सिखाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों के साथ हाथों से ये सम्मानित होंगे तो उनके लिए भी गर्व की बात होगी और हमारे लिए। वेणु वर्मा जी, गरबा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यहाँ टीचर है वेणु वर्मा, उन्होंने बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया है महिलाओं को। और शायद बहुत सी महिलाएं अपने घर से निकल कर आई हुई, क्योंकि 2 साल प्रैक्टिस।
पढ़ने जाएंगे। The next day. Hi guys, so अभी हो चुका है next day and अभी मैं जा रही हूँ कुर्मी भवन गरबा ट्रेनिंग के लिए। और भिलाई इस्पात क्लब का जो गरबा ट्रेनिंग था वो कम्प्लीट हो चुका है, 5 days का ट्रेनिंग था। एंड मैं छोटे छोटे जो क्लिप्स है वो शेयर कर दूंगी आपके साथ भिलाई इस्पात क्लब का, और कुर्मी भवन का भी शेयर कर दूंगी। बेसिकली दोनों दिन का जो ट्रेनिंग है एक ही साथ स्टार्ट हुआ था, बट कुर्मी भवन की जो ट्रेनिंग है वो थोड़ा लॉन्ग है, वहाँ का सिर्फ 5 days का था और यहाँ पे है 7 to 8 days का आई थिंक। तो मैं वीडियोस शेयर कर दूंगी, आप देख भी चुके हैं वीडियोस। एंड अभी मैं येलो कलर का ड्रेस पहनी हूँ, वहाँ कुर्मी भवन में आज थीम है कि रेड एंड येलो कलर का ड्रेस पहन के जाना है। सो मेरे पास येलो था तो मैंने येलो वियर किया है, तो अभी सब वहाँ येलो एंड रेड में ही पहन के आएंगे आज। तो मिलती हूँ मैं कुर्मी भवन पे। तो आज मैं जा रही हूँ कार में क्योंकि आज मेरी बहन भी जा रही है। मैं और दीदी दोनों येलो पहने हैं और मेरी बहन मम्मी जो है वो रेड पे, तो रेड पहनने का मन था बट मेरे पास रेड नहीं था। मेरे पास रेड था लेकिन वो थोड़ा सा डल हो जाता है, इसलिए मैं सोची येलो पहन लेती हूँ। रेड पहन के बोली ना तो मैं रेड में अच्छा फोटो आता है। हाँ, फोटोज वगैरह पिक्चर्स वगैरह एकदम मस्त, येलो में भी अच्छा आता है बट ये मेरे को रेड ज़्यादा पसंद है। हाँ, पहुँच गई हूँ। रेड ज़्यादा पहने एज कम्पेयर टू येलो। स्टेप चेंज हो गया है। पांच मिनट का रेस्ट करेंगे उसके बाद चेयर बना लीजिए आप सभी लोग, बातें कम करेंगे, सर्कल बना लीजिए और यहाँ से चेयर बैठा लेंगे। अभी हम लोग का गरबा कंप्लीट हो चुका है और अभी फोटो सेशन चल रहा है। गरबा प्रैक्टिस हो चुका है फाइनली, और मेरी फ्रेंड से मैं मिलाती हूँ जो MM फन सिटी गई। हाय हाय हाय। The next day. Hello guys. So आज है लास्ट डे ऑफ गरबा प्रैक्टिस, तो हम लोग कुर्मी भवन आए हैं और आज हम लोग स्कूटी में आए हैं। यस, और मम्मी चली गई है अंदर, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब आज थोड़ा हम लोग पहले आए हैं। तो चलते हैं, आ जाओ मैडम। कुछ चला गया है पता नहीं क्या, चल ऊपर चल के, ऊपर चल के देखते हैं पूरा काजल में। आज हम लोग सोचे थे कि ना जीन्स पहन के आते, तो मतलब इतने दिन से मैं सूट पहन रही थी बट आज मैं जीन्स पहन के आई हूँ, बट ये नहीं पहनी है, ये सूट ही पहनी है। मैं इसको बोली बट ये नहीं पहनी, कंफर्टेबल में डांस करने में अच्छा लगता है। हाँ, मेरे को जीन्स में कंफर्टेबल लगता है। भी सबके आने का वेट कर रहे हैं। स्टार्ट करो भैया, सर्कल बनाओ। सो फाइनली गाइज मैं घर आ चुकी हूँ, कुर्मी भवन का प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुका है। और जब मैं निकली थी तो मतलब वहाँ से
दिन था और अभी पूरा रात हो गया, देख सकते हैं। ड्रेस पूरा बुक, ड्रेस बुक करने गए थे हम लोग रेंट का। ये मैडम जी लेट की है, मैगी भी बना रही है। मैगी मैगी तो बना रही है ना, कम से कम उस तो को घूस ले रही हूँ। थ्री डे तीन दिन का ड्रेस बुक कराइए इतने लेट में, दिन से रात कर डाली। विथ डिस्काउंट, विथ डिस्काउंट, डिस्काउंट मेरी वजह से मिला है बेटा। हाँ तू तो नेता है ना, हर जगह पहचान है तेरा, नेता। हाँ तो अब फाइनली कुर्मी भवन में होगा 1-2 और स्पार्क क्लब का होगा 30 और 1। मतलब बेसिकली 30, 1 और 2 को होने वाला है फाइनल डे, षष्ठी पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। सो उस दिन मस्त। हाँ भूख तो लगी है ना जोर से। हाँ अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो फाइनली 30, 1 और 2 मतलब पंचमी, षष्ठी और सप्तमी को हमारा फाइनल डे होने वाला है। बहुत ही मज़ा आएगा, सब लोग नए नए एकदम ड्रेस में आएंगे, गरबा गुजराती ड्रेस में, बड़ा मज़ा आएगा। सो वीडियो वाला भी ब्लॉग मैं तीनों दिन का एक साथ शेयर कर दूंगी, प्लीज़ वाला भी मेरा वीडियो देख लेना। सो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो, प्रैक्टिस वाली मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्रैक्टिस बोलना चाहिए।